हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर रिवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो आज तारीख हो चुकी है 10 फरवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बुधवार रात्रि 1:09 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णमासी तिथि अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इस प्रकार से है, अदालत में पहुंची है अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी का मामला। शहर के बाजारों में अतिक्रमण वे बंद नालों को लेकर DCEO चेयरपर्सन को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें, शहर के बाजारों में अतिक्रमण और नालों पर अवैध कब्जों की वजह से बिगड़े हालात को लेकर अधिकारियों की तरफ से आमजन से जुड़ी इन समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाए जाने पर मामला अदालत पहुंच चुका है। पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने शहर अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बाद पर इन समस्याओं को लेकर उपायुक्त सहित नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता और नवनिर्वाचित चेयरपर्सन को नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले में आगामी सुनवाई 22 फरवरी को तय की गई है। ठगी का एक और मामला सामने आया है। जिला में ठगी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। शहर के कुतुबपुर निवासी एक व्यापारी को बीमा पॉलिसी पर बोनस देने का झांसा देकर साथियों ने 1,00,000 रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ित ने साथियों के बातों में आकर 2 बार यह राशि उनके द्वारा किए गए अकाउंट में जमा कर दी। जब बोनस नहीं मिला तो पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात खिलाफ केस दर्ज करके जाँच कर दी है। जैसा कि हम अपनी खबरों में बता चुके हैं कि दक्षिण रेंज के साइबर थाने की शुरुआत हो चुकी है। रेवाड़ी में आज से ईमेल या डाक या खुद जाकर भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, क्योंकि दक्षिण रेंज में साइबर थाना शुरू हो गया। अब ईमेल के द्वारा भी शिकायत भेजी जा सकेगी और साइबर जो ठगी होती है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब स्कूल अच्छी तरह से लग चुके हैं। 6ठी से लेकर 12वीं क्लास की क्लासें अब सुचारू रूप से चल चुकी हैं, इसलिए अब जो 10वीं और 12वीं के पेपर हैं वो नज़दीक भी आ गए हैं। मई में उनके पेपर हो जाएंगे और शायद और आप डाइट के एक्सपर्ट करेंगे 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मॉनिटरिंग। अब वो जाकर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मॉनिटरिंग करेंगे जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो। रोडाई में महिला संदिग्ध हालात में फंदा लगा दी जान। जांच में जुटी पुलिस। रोडाई गांव में मंगलवार की शाम को एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और जो उनके मायके वाले को उनको भी खबर दी गई है। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी कर्मी मोबाइल लूटने वाले आरोपी से भिड़ा तो बाइक छोड़ भाग गए, वापस लेने आए तो एक को पकड़ लिया है। बावल औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में सोमवार की रात को ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एक कंपनी कर्मचारी पर हमला करके बाइक सवार आरोपियों ने मोबाइल लूट लिया। घटना के बाद कंपनी कर्मचारी ने साहस दिखाते हुए आरोपियों से भिड़ गया, जिसके बाद आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने भाई और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। इसी दौरान बाइक लेने के लिए आए एक आरोपी को भी पकड़ लिया। घटना के बाद पुलिस ने वारदात में गिरफ्तार किए गए आरोपी जिला के जैतलावास गाँव निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जाँच शुरू कर दी है। मोबाइल टावर से 52 बैटरी और धारोड़ा से 3 बाइक चोरी। वहीं रणसी मार्च में पहले नोजल आप सोलर पैनल की 16 प्लेटें चोरी हो गई है। रेवाड़ी में लगातार चोरियों की घटना सामने होती जा रही है। अभी आरोपियों को कोई पता नहीं चला है। पुलिस ने रिपोर्ट लिख के जांच शुरू कर दी है। खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना बोले। धन्यवाद।